बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रॉपर्टी ड्राइव में खुशांदी कहते हैं। 2023 मई 29 तारीख है आज, और जो एक सबसे अहम चीज़ इस वक्त समझने वाली है वो ये है कि रियल इस्टेट में जो फाइल्स की जो ट्रेडिंग है या फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करना है उसका कोई फ्यूचर हमें नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जी इस वक्त हम अगर कोई फाइल उठाते हैं और इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उसका क्या फ्यूचर है, क्या ये हमें पे बैक करेगा। देखिए, अगर हम बहुत सारी सोसाइटीज़ के मैं नाम नहीं लूँगा, हम पिछले 4-5 सालों में अगर हम एनालिसिस करते हैं तो जो आपने प्लॉट्स परचेज किए हैं, बहुत सारी सोसाइटीज जिस पूरे सोशल मीडिया पे बेची जा रही हैं, उनके NOCs भी नहीं हैं, उनका डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद से 70-70 किलोमीटर दूर है, उधर पता नहीं क्या कुछ बताया जा रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोग धड़ाधड़ बेचे जा रहे हैं, लेकिन वो जो लोग बेच रहे हैं आप उनसे जाके पूछें कि वो अपनी फैमिलीज के साथ आज घर भी बन रहे हैं उधर, आज अपनी फैमिलीज के साथ वो मूव करेंगे, यहाँ पे आके यहाँ से डेली ऑफिस आया जाया करेंगे, वो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट नहीं है ना अभी के लिए ना लॉन्ग टर्म में नज़र आ रही है। और अगर आप जो है कम्यूट को आज के दिन कैलकुलेट कर लें, पाकिस्तान में जो रुपया डीवैल्यू हो रहा है, फ्यूल प्राइसेस जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गई हैं, उस फैक्टर को सामने रखें तो हर कोई इस टाइम पर ये कहेगा यार इन दूर की सोसाइटीज़ में फाइल लेने का कोई फ़ायदा नहीं, ये कॉमन सेंस की बात है। बहरहाल जो सोशल मीडिया पे स्पेशली बहुत ज़्यादा इस वक्त एडवर्टीजमेंट हो रही है और कोई काम असल में सच बताऊँ रियल इस्टेट का चल तो रहा नहीं है, तो यही चीज़ें हैं। सस्ते सस्ते पैसे जी बता देते हैं कि इतने 100 रुपये या इतने 1000 रुपये का आप जो है ना बचत कर लें तो आप जो है ना एक प्लॉट खरीद लेंगे और फलां जगह है और ये हो जाएगा, उधर हम वो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। मैं कहता हूँ वहाँ वो जन्नत भी बना रहे ना उन जगहों पर, उसकी वर्थ अभी नहीं होने लगी। जैसे 20 साल पहले भी वहाँ कुछ सोसाइटीज़ आई थी और इवन उनके NOC आज भी नहीं बने, लोगों ने घर भी बनाए हैं वहाँ पे, लेकिन वो सस्टेनेबल रिहाइश के हिसाब से नहीं है। तो अभी भी आप देखें जो यहाँ ट्रेंड, अगर हम महंगाई के हिसाब से बात करें, ट्रेंड जो है इस वक्त चेंज हुआ है। लोग क्या कह रहे हैं कि हमें कॉल करके कहते हैं जी आप इस्लामाबाद में करीब तरीन जगहों पे हमें 2 बेड का अपार्टमेंट दिला दें, आर्केड में ही हो जाए बेशक, लेकिन वहाँ फैमिलीज रह रही हों, अच्छी जगह पे आप हमें अपार्टमेंट दिला दें, क्योंकि प्लॉट के ऊपर घर बनाने वाली जो बातें वो अब सिर्फ खाली खुली रह गई हैं। मैं आपको कहूँ जी आज मैं भी 4 पैसे कमाना चाहता हूँ, 80 किलोमीटर दूर 70 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद से दूर मैं आपको प्लॉट दिला दूँ, सस्ता, इतना सस्ता बाकब्जा चीज़ भी दिला दूँ, आप उधर घर बनाने बैठे हैं, घर बनाएं, इतना महंगा पैसा आप खर्च करें, उसके बाद जैसे आप उसकी कम्यूट की कॉस्ट को 5 साल पे रख के देख लें, जितने की आपने कंस्ट्रक्शन या जो पैसे लगाए हैं वो 5 साल का अगला आप गाड़ी का फ्यूल एक्सपेंस, बच्चों को लाना ले जाना, फिर आप अगर ऑफिस जाते हैं तो वहाँ से छुट्टी होती है बच्चों की, तो बच्चों को कहाँ बिठाएंगे मेन सिटी के अंदर रख के, तो ये चीज़ें जो है ना दूर से अच्छी लग रही होती हैं कि जी फलानी चीज़ भी आ रही है, ये भी आ रहा है, वो भी, लेकिन ये सॉरी टू से इसको आप एक्सेप्ट ना करें और इस ट्रैप में ना आए। अगर आपके पास पैसे हैं और आप कुछ भी नहीं खरीदने का मूड तो वो बेस्ट है, आप डॉलर में अगर आप ओवरसीज हैं आप अपने अमाउंट को होल्ड कर लें, या ये जो फाइल्स हैं इसके तो यार आप अवॉइड ही करें। मैं इन फाइल्स के पीछे मैंने लोगों को तबाह बर्बाद होते देखा है, और बाकी छोड़े आपका भाई खुद ही, मैंने खुद भी ये 10-12 लाख रुपए का लॉस करके बैठा हूँ अभी, और ताज़ा लॉस करके बैठा हूँ इन फाइलों के ड्रामों में। तो यही बात है कि हम बस फंस गए जी। तो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मैं आपको कह रहा हूँ कि अच्छी, मैं इस्लामाबाद की सेंटर इस्लामाबाद की फाइल्स की बात करूँ जहाँ में 12 लाख है, मेरे को 70-80 किलोमीटर दूर वालों को तो भूल ही जाएँ, आपके मेन Zone 4 की एक सोसाइटी की फाइल में लेके बैठ गया, वैलिडेट प्लॉट है जी, नंबर भी लग गया, नंबर लग के और नंबर लगने के बाद ये टैक्सेस पड़ते हैं तो उसकी वर्थ ही गिर गई है। तो नाम तो मैंने डिस्क्लोज कर, लेकिन बताना मैं चाह रहा हूँ भाई ज़रा ख्याल रखें, फाइलों से बाहर निकल आए यार, अगर आपके 50-60 लाख रुपये तो यार अब हमसे वैसे ही रब्ता कर लें, ज़रिए ज़मीनें मेरे पास हैं यार, आप आएँ उसके ऊपर, आप जो है ना बाकब्जा ज़मीन है, सुबह आके आप 4 दीवारी लगाएं और अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएं, आप खेती बाड़ी कर लें भाई, तकरीबन 2,70,000 रुपये कनाल वाली ज़मीनें भी मेरे पास पड़ी हुई हैं, जो कि रास्ता भी होगा उनका, और उधर आप जो है बरानी ज़मीनें हैं, आप जो भी गंदम लगाते हैं, मूँगफली लगाते हैं, ऐसी ज़मीनें भी मौजूद हैं, 3.5 लाख रुपये कनाल वाली ज़मीनें भी मौजूद हैं, 50 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो यार इसके हिसाब से देख लें 10 कनाल ले लें, 20 कनाल जितना आप कर सकते हैं ज़मीन लेके कुछ ना कुछ इससे कमाने की कोशिश करें। अब तो ये गंदम ही आजकल आप देखें, हम फिर दरामद करने वाले हैं, हमारे जो है ना अभी फ्लोर मिल वाले कहेंगे गंदम का दाना नहीं मिल रहा,
एक इंतहाई कीमती चीज़ बन चुकी है ना, तो खाली ये फाइल के कागज़ के टुकड़े हमें सिर्फ जो है ना तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इन कागज़ के टुकड़ों से आप भी बचें यार। मैं भी आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि इस तरफ ना ही जाया जाए बेहतर है। और अच्छा, ये मार्केट एवेन्यू का मैं बता दूँ यार, ये खुली नहीं है, ठीक है। तो मैं भी बस अपने रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ और एंट्री मारी है, तो जो क्रैक्स हैं वो तो जुड़ गए हैं। और अब मैं जो है ये रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ, आगे से रास्ता सही बना नहीं है। जो E11 वाली साइड पे सुबह मैं आ रहा था, तो उधर जो है E11 वाली साइड से आप समझे कि इन्होंने उसको बनाना शुरू कर दिया, इंटरचेंज को कंप्लीट करना शुरू कर दिया है। ये अभी आज की अपडेट है। तो बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।